लास्ट लेक्चर में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि कैविटी से निकलने वाली रेडिएशंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैविटी के टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, कैविटी के मटेरियल और उसकी शेप पे इन रेडिएशंस की कोई डिपेंडेंस नहीं है। अब हमने स्पेक्ट्रम ऑफ कैविटी रेडिएशंस को स्टडी करना है। उससे पहले हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं जिसके लिहाज से हम इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप कैविटी के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो कैविटी से के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को अगर वो अब्सॉर्ब कर रहा है तो जो एनर्जी ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब करेगा वो डिपेंड करेगी टाइम के ऊपर। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऑब्जेक्ट ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, अगर आप कम टाइम के लिए ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कम एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। तो हम ये नहीं चाहते कि जो हमने वेरिएबल स्टडी करना है वो टेम्परेचर के अलावा किसी और चीज पे डिपेंडेंट हो। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पावर का, और हम एनर्जी को यूज ही नहीं करेंगे, हम पावर को यूज करेंगे, और पावर इक्वल होती है एनर्जी ओवर टाइम के। दूसरा एक और फैक्टर है जो कि कैविटी पर डिपेंडेंट है। अगर मेरे पास ऐसी कैविटी है जिसका एरिया जो है ओपनिंग एरिया कम है और दूसरी कैविटी है जिसका ओपनिंग एरिया ज्यादा है, अगर दोनों कैविटीज का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम भी हो तो यहां से ज्यादा पावर निकलेगी, यहां से पावर जो निकलेगी वो कम होगी क्योंकि इसका ओपनिंग का एरिया कम है। तो इसलिए मैंने अगेन वो वेरिएबल यूज करना है जो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट हो। तो मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा नेक्स्ट, रेडिएंट इंटेंसिटी। रेडिएंट इंटेंसिटी को जाहिर करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और ये आई का फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पावर ओवर एरिया। इसको नॉर्मली इन जनरल ये भी कह सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया ऑफ कैविटी ओपनिंग। तो ये आपके पास रेडिएंट इंटेंसिटी आ गई। अब अगर मैं ये देखना चाहूं कि जो रेडिएंट इंटेंसिटी मुझे मिल रही है, जो पावर पर यूनिट एरिया मिल रही है, वो किस वेवलेंथ पे ज्यादा मिल रही है, किस वेवलेंथ पे कम मिल रही है, तो मुझे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा जिसको मैं नाम दूंगा स्पेक्ट्रल रेडिएंसी का। स्पेक्ट्रल रेडिएंसी को रिप्रेजेंट करेंगे आर ऑफ लैम्डा से, और ये बताता है कि लैम्डा वेवलेंथ के आसपास कितनी रेडिएंट इंटेंसिटी मौजूद है। तो हमें चाहिए एक रेंज जिसके अंदर हम देख सकें कि रेडिएंट इंटेंसिटी कितनी है। तो हम रेंज लेते हैं, हम वेवलेंथ यूज करेंगे लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक। तो इस लिमिट के अंदर यानी वो रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ लैम्डा से ज्यादा है लेकिन लैम्डा प्लस डी लैम्डा से कम है, हम देखना चाहते हैं कि उनकी रेडिएंट इंटेंसिटी कितनी है। तो उनकी रेडिएंट इंटेंसिटी को हम कहेंगे डी आई उन रेडिएशंस की रेडिएंट इंटेंसिटी है। तो अब आप जो है वो आर ऑफ लैम्डा को कैसे डिफाइन करेंगे, आर ऑफ लैम्डा जो आपकी स्पेक्ट्रल रेडिएंसी है वो आ जाएगी डी आई ओवर डी लैम्डा के इक्वल। ये फैक्टर जो है आर ऑफ लैम्डा ये शो करेगा कि लैम्डा वेवलेंथ पे ज्यादा रेडिएशंस आ रही हैं या कम रेडिएशंस आ रही हैं। किसने बताना है, स्पेक्ट्रल रेडिएंसी एट लैम्डा ने। तो अगर मेरे पास आर ऑफ लैम्डा का ये फार्मूला मौजूद है, मैं चाहता हूं कि मैं आई को कैलकुलेट करूं इसकी हेल्प से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी लैम्डा यहां डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो डी आई आपके पास आ गया आर ऑफ लैम्डा इंटू डी लैम्डा के इक्वल। अब अगर मैंने आई को फाइंड करना है, मैं दोनों साइड पे इंटीग्रेट करूंगा, डी आई को इंटीग्रेट करूंगा तो ये आपके पास आई के इक्वल आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा आर ऑफ लैम्डा डी लैम्डा, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी 0 to ∞। तो इस तरह से मेरे पास रिलेशन आ गया है बिटवीन रेडिएंट इंटेंसिटी एंड स्पेक्ट्रल रेडिएंसी। ये दो रिलेशंस हैं जिनसे इन दोनों वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट किया जा सकता है। अब हम ये देखना चाहते हैं
कि कैविटी से किस वेवलेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग ज्यादा रेडिएशंस निकल रही हैं, किसके क्रॉसपॉन्डिंग कम रेडिएशंस निकल रही हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन स्पेक्ट्रल रेडिएंसी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ को हमने रखना है एक्स एक्सिस पे, स्पेक्ट्रल रेडिएंसी को हमने रखना है वाई एक्सिस पे। ग्राफ में हमें क्या ट्रेंड नजर आ रहे हैं, सबसे पहले हमें ट्रेंड नजर आ रहा है कि स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस, जो आपकी लाइन है वो कंटिन्यूअस है, कहीं से भी टूट नहीं रही, कंटिन्यूअस लाइन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो आपकी कैविटी है वो तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट कर रही है। और ये काफी अजीब है सोचने में, आमतौर से ये होता है जैसे साउंड वेव्स में आपने देखा था एक सोर्स एक ही फ्रीक्वेंसी एक ही वेवलेंथ की जो है साउंड वेव्स एमिट कर रहा था, लेकिन कैविटी ऐसे नहीं कर रही, वो तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट कर रही है। नेक्स्ट जो बिहेवियर नजर आ रहा है वो क्या है कि एट स्टार्ट जो आपकी स्पेक्ट्रल रेडियंसी है वो कम है, जीरो है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो गई, उसके बाद दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हुई है और जो जो आगे की तरफ जा रही है स्पेक्ट्रल रेडियंसी की वैल्यू कम होती जा रही है। ये दूसरा ट्रेंड नजर आ रहा है। थर्ड ट्रेंड क्या नजर आ रहा है, अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिहाज से देखें, मिसाल के तौर पर 1650 केल्विन पे जब हमने कैविटी की रेडिएशन को स्टडी किया तो ये पीक आई हमारे पास, ये वाला सारी कर्व आई है। जब हमने रेडिएशन को स्टडी किया 1450 केल्विन पे तो ये कर्व आई है, और जब हमने इसको स्टडी किया 1250 पे तो ये कर्व आई है। तो हमें नजर आ रहा है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पीक इस एक्सिस पे देखें तो रिलेटिवली कम वेवलेंथ पे आ जाती है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो पीक जो है वो आगे की तरफ चली जाएगी, और इसी तरह से टेम्परेचर और कम होने से ये पीक मजीद आगे चलेगी। तो यानी वो वेवलेंथ जिस पर स्पेक्ट्रल रेडियंसी मैक्सिमम है वो आगे बढ़ रही है अगर टेम्परेचर कम करते हैं, उसका टेम्परेचर के साथ कुछ इनवर्स रिलेशन हमें नजर आ रहा है। थर्ड बिहेवियर जो हमें नजर आ रहा है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा। एरिया अंडर द कर्व अगर देखेंगे ग्राफ किसके दरमियान है, आर लैम्डा और लैम्डा के दरमियान, तो यहां एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिएंट इंटेंसिटी को। तो इसका मतलब है कि रेडिएंट इंटेंसिटी बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी टोटल रेडिएंट इंटेंसिटी ज्यादा होगी अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा। इन सारे पैरामीटर्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके दरमियान रिलेशन स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ।